अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? जी बिल्कुल, सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और लाइक शेयर एंड कमेंट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ है कि पिछली बार भी जब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा ये पेयर है, इसने अपने 5 अंडों को जो है अनफर्टाइल कर दिया था, तब तो मुझे लगा था कि शायद मेरी गलती की वजह से जो हुआ है, मैं इनको पकड़ के बाहर ले आया हूँ और फीमेल की आंख में प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मुझे लगा शायद वो मेरी गलती की वजह से इसने अपने अंडे ख़राब कर दिए होंगे, प्रॉपर उन पर बैठ नहीं रही होगी। तो दोस्तों, इस बार इन्होंने फिर से अंडे दिए। अंडे देने के बाद इन्होंने फिर से वो 5 अंडे अनफर्टाइल कर दिए। कल मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो मैं आगे चेक करता हूँ, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम हो गया था मैंने चेक नहीं किया था कि किस तरह के, मतलब कि इन्होंने अंडे बच्चे निकल गए, क्योंकि मेल काफ़ी टाइम अंदर ही बिता रहा था, फीमेल बाहर घूमती फिरती रही। तो मैं जब जाके मैंने कल चेक किया तो कैंडलिंग जैसे मैंने की, अंडों की सारे अंडे अनफर्टाइल हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, या तो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, या मेल जो है सही तरह से क्रॉस नहीं कर रहा, या फिर फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसका जो हल है मेरे पास जो है, क्योंकि मैं फ़ीमेल तो बदल नहीं सकता, मेल ये मेरा सबसे खूबसूरत मेल है, ये मुझे इसका जो कलर है, ये जो ब्राउन कलर का इसकी जो ये चीक है, ये सबसे मुझे, मतलब बाकी सब में मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। और मतलब अब ये अनफर्टाइल बहुत ज़्यादा करी जा रहा है, तकरीबन अगर मैं इसमें एवरेज लगाऊं भी, कि पिछली बार भी मुझे इसके 5 अंडे थे, उनमें से मुझे 4 बच्चे मिले होते हैं, और इस बार भी 5 अंडे और मुझे तकरीबन, चलो दो तकरीबन कुछ 3 या 4 मिले होते हैं, तो तकरीबन 7-8 मुझे मतलब बच्चे मिल जाने थे इनसे, और वो मतलब नुकसान हो गया, पूरा नुकसान हो रहा है। तो अब जो मैंने फैसला किया है कि मैं इसका मेल बदल दूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास मेल और जो इसके बच्चे आए थे वो सारे पड़े हैं माशाल्लाह से। अब 3 मेरे पास फीमेल हो गई हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये जो पिछली वीडियो में मैं कह रहा था कि शायद मुझे मेल का ख़तरा है, ये जो पट्ठे हैं सारे, लेकिन ये निकले सारे के सारे माशाल्लाह तीनों फीमेल निकली हैं, और ये 2 मेल आप देख सकते हैं, ये वन, इनमें से एक मेल है जिसकी जिस टांग में प्रॉब्लम है, उसकी जो टांगें हैं वो खुली हुई हैं, पंजे भी उसके ख़राब है, तो वो वाला मेल मैं नहीं दूंगा इसको, बिल्कुल प्रॉपर सही मेल है, खिटांगे हर चीज़ फिट है, वो मैं इनको डाल दूंगा। पर ये आप देख सकते हैं, ब्लैक चिक है, पूरा ब्लैक चिक है ये। अब मेल की मैं एक्सचेंजिंग करूंगा अभी, और आप लोगों को इनके अंडे भी दिखाऊंगा कि अंडे किस तरह से इन्होंने फटाए। दोस्तों, ये मैं बॉक्स निकाल कर ले आया हूँ उनका कमरे के में, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इनकी कैंडलिंग करके दिखाऊँगा कि ये देख सकते हैं, फिर से इन्होंने 5 अंडे दिए हैं माशाल्लाह। ये अंडे देख के मुझे बड़ी खुशी हो जाती है, लेकिन जब ये अनफर्टाइल होते हैं सारे अंडे, फिर बड़ा एक दुख सा होता है कि ये क्या मसला है और क्यों ये बार बार एग्स जो है अनफर्टाइल कर रहे हैं। नेस्टिंग इनकी प्रॉपर हुई है, आप देख सकते हैं, एक कोने पे जाके इन्होंने अपना जो है एग्स देने वाला जो है, उन्होंने अपना घोंसला जो बिल्कुल जहाँ पर अंडे देते वो एक कोने पर, और बहुत बेहतरीन है। अगर हम यहाँ से देखें, ये लूसन, धनिया, पुदीना जो भी मैंने दिया है सारा ये लोग यहाँ ले आते हैं, वो चलो वो तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, मैं इस पर रख के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये अंडे इन्होंने फिर से कैसे अनफर्टाइल। तो ये दोस्तों, ये मैंने सारे अंडे निकाल लिए हैं, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इनके अंडे। यहाँ से ये देखिए, ये पूरे का पूरा अंडा क्या हो गया, अनफर्टाइल। दरअसल क्या होता है, जब हम लोग अपने बर्ड्स के नीचे जो अंडा होता है उसमें जब फीमेल एग ले करती है, उसके तकरीबन 5 से 6 दिन बाद उस अंडे के अंदर वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो जिसने बंदे ने बताया, उसने किसी बड़े बर्ड का बताया। अब जो फिंचीज है उनका 15 दिन के अंदर बच्चा इनका सेल्फ हो जाता है 15 दिन के अंदर बच्चा अंडे से भी बाहर आ जाता है, और तो मतलब इसकी जो वेंस की टाइमिंग होती है वो भी जल्दी होती होगी बनिस्बत बाकी बर्ड्स के एग से। अब ये देखें, पूरा अनफर्टाइल है, यहाँ पर कोने पर इसकी जल्दी पड़ी हुई है, फोकस नहीं कर रहा, ये देखें पूरे कोने जर्दी और एक भी वेन नहीं है उसमें, इसको साइड पर रख दिया। और ये दूसरा, ये भी सेम वैसा अंडा,
अब कुछ जो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है मौसम की वजह से भी कुछ ना कुछ इसमें नुकसान हो रहा हो, क्योंकि मौसम भी अभी जो है कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी, कभी ठंड गर्मी, इस वजह से भी बर्ड जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अभी तीसरा अंडा, सारे के सारे अंडे या तो डेड इन शेल हो गए हैं या फिर उसने दिए अनफर्टाइल है। कितने और किसी भी अंडे के अंदर एक भी वेन नहीं है। अब ये देखें, सारों की जर्दी जो है वो एक जगह ऊपर जाके चिपकी हुई है, क्योंकि अंडे दिए जितना इनको टाइम हो गया था, क्योंकि जब पिछली बार इन्होंने अंडे दिए मैंने फौरन अंडे निकाल के तोड़ के फेंक दिया, उसकी वीडियो भी थी। उसके बाद तकरीबन कोई मेरा ख्याल है लगा होना कोई एक हफ्ता या एक से डेढ़ हफ्ता इन्होंने फिर से एग लेक कर दी, तो मेल काफ़ी टाइम अंदर बिता रहा था, क्योंकि अभी 15 दिन मेरे ख्याल हो चुके हैं, 15 या 13 इतने दिन हो गए। और उसके बाद जो मैं देख रहा था कि शायद बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, और देखा तो ये मतलब इन्होंने सारा मूड ऑफ कर दिया। तो अब ये देखें, ये भी पूरा का पूरा अंडा अनफर्टाइल। तो अब इन अंडों का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, इनको हम तोड़ के फेंक देंगे और ये बॉक्स में वापस लगाऊंगा, और मेल जो है मैं उसका वो चेंज कर दूंगा। तो चलें दोस्तों, भाई, ये मैं बाहर लेके आ गया हूँ अंडों को, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अंडे नीचे तोड़ दिए थे तो सारा बहुत ज़्यादा गंदल बच गया था, तो इसलिए मैं टोकरी भी ले आया हूँ, सीधा टोकरी के अंदर ही तोड़ दूंगा। तो ये पहला अंडा, ये देखें पूरी अंदर जर्दी। पूरी सर्दी देखें, सर्दी ये भी सर्दी। चलो वो वैसे गया। अब दोस्तों ये देख लिया, पांचों अंडों को मैं जर्दी निकली है, बस एक वेन भी होती है ना, मैं समझता मेरी गलती है, मुझे अंडे नहीं निकालने चाहिए थे, लेकिन एक भी अंडे के अंदर से वेन नहीं है। अब ये तो फिर मतलब कि काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मतलब अब ये जो पेयर है ये तोड़ना पड़ेगा। चलो मैं तो भी ये पहले दोस्तों हाथ लगा। सारे अंडे तोड़ दिए हैं, अब मेल चेंज करने की बारी है। अब ये वाला जो मेल है ये मैं पकड़ के इसको चेंज कर दूंगा, और जो वहाँ से मैं एक मेल पकड़ के इसमें डाल दूंगा। अगर उसके बाद भी मुझे ऐसा ही रिजल्ट मिला, मतलब अनफर्टिलिटी आ रही है, तो ये फीमेल पक्का प्रॉब्लम है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था कि दो इसको मेल मिले और दोनों इसको इसके जो एग्स हैं वो अनफर्टाइल करें। क्रॉस में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ हो सकता है मेल में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन दोनों मेल में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, फिर उसके बाद प्रॉब्लम जाएगी फीमेल में। तो अभी वहाँ से मैं एक मेल पकड़ के, पहले तो इस वाले मेल को पकड़ता हूँ, फिर वहाँ से एक निकालूंगा। तो ये देखें दोस्तों, ये आते ही जैसे मैंने दरवाज़ा खोला फीमेल बाहर निकल गई, ये फीमेल का पकड़ा है, ये देखें। अभी छुड़ाने की कोशिश कर रही है, तो अभी इसको बाहरी हम रखेंगे, क्योंकि इस तरह से मेल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, ये मेल पकड़ लिया है माशाल्लाह से। इसकी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इसकी आप आइज़ देखें, बाकी परिंदों की जो आइज़ होती है वो इस तरह की मैंने कभी नहीं देखी कि वो ब्राउन आइज़, उसमें थोड़ा येलो येलो पन हुआ हो। इसकी माशाल्लाह से आँख भी इतनी प्यारी है, और ये जो चीज़ है यही मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, पूरा ब्राउन यहाँ से। अब यहाँ से दोस्तों इसको जाके डालते हैं उसमें, और उसके बाद हम लोग दूसरा मेल जो है वो इसमें छोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं अब मैं एक मेल निकालने लगा हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट मेल है, और उस मतलब कोई चोट वगैरह नहीं लगी हुई, हर चीज़ उसकी ओके है, मैं उसको निकालता हूँ। तो ये दोस्तों, ये मैंने वो फिंच का मेल निकाल लिया है, ये निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे वो बेचारा मेल अकेला हो जाएगा,
देखो वैसे भी अगर मैं बेचने भी जाऊँ तो मैं ये वाला मेल नहीं बेच सकता, तो अभी ये दूसरा आ रहा है, दूसरा वाला जो है ये यहाँ पे अभी शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ फिर ये रहेगा। चले आए अब यहाँ पे, इसको इसका घर दिखा दें, ये देख ले ऐसे, ये तेरा घर है और तुझे एक तलाक याफ्ता बुढ़ी मिलेगी अब। ये हो पूरा अडल्ट मेल है माशाल्लाह से, इसको भी तकरीबन कोई 2 या 2.5 महीने हो गए हैं, तो तकरीबन फिंच होती है 3 महीने के बाद ब्रीड करना शुरू कर देती है। तो अभी मैं अंदर इसलिए नहीं छोड़ा, यहाँ पे मैंने गिलू लगाई हुई है, ये गिलू इनके पाँव में ना लग जाए, इस वजह से मैंने अभी छोड़ दे रहा अंदर। चुप हो जा, चलो इसको भी दोस्तों इसके साथ छोड़ देते हैं, ये भी थोड़ा सा घूम फिर के देख लें। चलो अब दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास 3 फीमेल्स हैं, इनका मैंने क्या करना है और किस तरह से मैं आगे जो है अपना, क्योंकि मैंने अभी ऐसा केज जो है ना मैंने एक और लेना है, वो लकड़ी का केज मैंने एक और ऐसा बना के इसी तरह से सेम यहाँ पे भी रखना है मैंने। तो ये तकरीबन बनता है कोई 2100 रुपये का, और जो अभी फिंच में फिंच की मार्केट चल रही है वो है 500 रुपये पर फीमेल जो है वो ख़रीदते हैं। तो ये होलसेल वाले जो हैं उनके पास से मैंने पूछा था, वो 500 रुपये कह रहे हैं पर पीस। तो अब दोस्तों मैंने ये 3 फीमेल्स जो है अपनी सेल करनी है, अब ये एक है, ये 2 और वो पीछे तीसरी आई। अब ये जो बेचारा मेल है ये तो सेल हो भी नहीं सकता क्योंकि इसकी टांगों में बहुत बड़ा मसला है, कोई भी ख़रीदता नहीं है ऐसे खुली टांगों वाला परिंदा। आपको वो लोग बेच देंगे ऐसा परिंदा, वो आप लोगों को बेच देंगे जिसकी टांगें ख़राब हो, लेकिन खुद नहीं कभी वो ख़रीदते। अब ये देखिए अभी मेल को मैंने छोड़ा है, वो इतना गर्म हुआ हुआ वो फीमेल को फ़ौरन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसने दूसरे मेल को मार के इधर कोने में बैठा दिया। तो इंशाल्लाह ये भी मतलब बहुत जल्दी ब्रीड कर लेगा। मैं इस मेल को पकड़ के ज़रा दूसरी जगह पे मैं शिफ्ट करता हूँ। ये मेल दोस्त ने पकड़ लिया है, अब इसको इनके साथ छोड़ दूंगा, ये यहाँ पे जाए तो अपना नया घर ये भी देख ले। चलो आज से आप यहाँ पे रहोगे। क्योंकि अभी ये वाला जो मेल है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, इसको बस अब तलाश थी फीमेल की, अब वो मिल गई है इसको। तो अब इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा। तो अब इनको मैं सेल करूँगा दोस्तों, तो ये तकरीबन मैं कह रहा था 1500 रुपये की, मतलब एक 1500 की 3 फीमेल्स बनेंगी। अब इसके साथ अगर मैं ये वाला मेल भी सेल करता हूँ ये मिला के तकरीबन कोई 1800 इतना बनेगा, तो फिर भी थोड़े से पैसे बचे रहेंगे क्योंकि मैं अब पूरे जो पैसे मैं परिंदों में से इनका ही दूसरा घर लेना है अब। तो उसके बाद फिर एक और यहाँ पे लाऊंगा, और उसके बाद जो भी मेरा दूसरा जो प्लान है वो स्ट्रॉबेरी फिंच का है, क्योंकि अब मैंने बाकी सारी फिंचेस ले लिया, स्ट्रॉबेरी फिंच रह गई है, मैंने वो लेनी है एक, तो वो 600 रुपये जोड़ा चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह ताला लेंगे जब जैसे ही मैं ऐसा एक केज लूँगा दूसरा, फ़ौरन से उसमें चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी नई नई चीज़ें। क्योंकि अब मैंने फिंचेस के तो माशाल्लाह पेयर लगे हुए हैं, 2 पेयर लगे हुए हैं, एक ये जावा का पेयर लगा हुआ है, तो फिंचेस के मैंने 2 लगा दिए हैं, बाकी नीचे कॉकटेल होगा और वहाँ पे बाकी सारे ब्रीड पेयर होंगे। तो दोस्तों मैं देखता हूँ ये सूख गया है, अगर सूख गया फिर इनको छोड़ता हूँ अंदर, इतनी देर ऐसे ये भी सही नहीं है कि उनको इतनी देर हम अंदर इधर छोड़ी रखें, अभी फिर भी थोड़ा सा पानी पानी सा है। तो
अभी 5 मिनट और रुक जाते हैं, वीडियो को फिर ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये पेयर है माशाल्लाह, इसकी जो फीमेल थी वो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि वो थोड़ी सी बीमार हो गई है, माशाल्लाह से अब मैंने इसे देखा ये बिल्कुल परफेक्ट, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जावा है, जावा ने अपनी नेस्टिंग जो है वो करना शुरू कर दिया, देखेंगे ये अभी इनके ले ले के अंदर जा रही है। मैंने इनको इनकी बेस बना के दे दी थी, बेस बना के, क्योंकि परिंदा जो होता है वो कभी भी खुद एकदम बॉक्स के अंदर नहीं जाता, उसको आदत डालनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन इन दोनों को पकड़ के रात के टाइम पे इनको अंदर डाल दिया, और ये पूरी रात मतलब इन्होंने अंदर गुजारी। सुबह फिर जब ये जैसे ये बॉक्स से बाहर आया तो इनका डर ख़त्म हो जाता कि बॉक्स हमारे लिए ख़तरा है। अब माशाल्लाह से नेस्टिंग भी कर रहे हैं, हर चीज़ इनकी हो रही है, और पेयर भी माशाल्लाह से बन चुका है, बहुत जल्दी फिर इनकी भी ब्रीड हमें मिलेगी। और जो पेयर यहाँ पे है माशाल्लाह से, इनको तो केज बड़ा ज़बरदस्त सेट करके दिया है, हर चीज़ है, देखिए लकड़ियाँ ऊपर नीचे हर जगह पे। इसका भी मेल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा टाइम अंदर ही गुजार रहा, तो शायद हो सकता है इसने भी एग वगैरह ले कर दिया हो, अभी भी इसका मेल अंदर है, ये देखें वो चुपके से देख रहा है, ये वो देखें वो चुपके देख रहा था। तो अभी वो अंदर बैठा हुआ है, तो मतलब कोई हो सकता है इसने एग ले कर दिया हो। और यहाँ पर जो अपना कॉकटेल है वो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, और ये बाकी पांचों इनका भी हम बंदोबस्त करते हैं। तो अभी दोस्तों इनको मैं अंदर छोड़ता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ये दोस्तों खुशक हो चुका है, अब यहाँ से मैं दोनों को निकाल के इसमें डालता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने दोनों को पकड़ लिया है, और ओहो घर में जाना है कि नहीं, ये दोनों को हमने दोस्तों पकड़ लिया। अब इन दोनों को इस घर में छोड़ूंगा और दुआ करूंगा कि आगे जो भी ये ब्रीड मुझे दें उसमें फ़ायदा ही हो, नुकसान ये लोग ना करें। चले ये ले जाओ, तो ये नए घर पे आ गया। फीमेल तो पहले अपने अंडे देखेगी, अंडे नहीं है तो उसके बाद फिर इस मेल के साथ भी इसकी सेटिंग शुरू हो जाएगी। अभी वैसे भी ये मेल मैं देख रहा हूँ गर्म हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी बड़े जल्दी जो है एग ले करवा देगा इससे। तो चीज़ें मैं इनका पूरी प्रोवाइड करूँगा, जिससे इसके अंदर कैल्शियम विटामिन जो भी इन्हें चाहिए वो इनके पूरे हो जाएँ, क्योंकि अब फीमेल ने तो एग ले किए हैं, भले वो अनफर्टाइल है लेकिन उसकी ताकत तो उस पर लगी है, तो उसको कमज़ोरी तो ही होगी, इस वजह से हम लोग इन्हें सारी चीज़ें जो है इन्हें लाजमी प्रोवाइड करेंगे। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग मिले। अल्लाह हाफिज़।